लड़ाई शुरू हो रही है। सुन सकता हूं, तुम सुन जाओ। उसे पता है वहां नहीं है, पर उसने मेरी गन सूंघ ली। वो जानती है तुम मेरे साथ ही होगी। उसने हमें ढूंढ लिया। वो अकेली नहीं है। रायली, मेरी बात सुनो। विक्टोरिया तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वो जानती है मैं तुम्हें मार दूंगा। दरअसल वो तो खुश है कि तुम उसके रास्ते से हट जाओगे। इसकी बात मत सुनना रायली, ये फिर से कोई नई चाल चल रहा है। मैं इसका दिमाग पढ़ सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। ये झूठ बोल रहा है। उसने तुम्हें और सेना को बनाया ताकि वो अपना सच्चा प्यार पा सके। जेम्स वही है उसका सच्चा प्रेमी, तुम नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। फिर से सोच लो, तुम मेरे शहर से हो, तुम चप्पा चप्पा जानते हो, इसीलिए इसने तुम्हें चुना। ये तुमसे प्यार नहीं करती रायली, ये हम में गलत फहमियां पैदा कर रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। तुम तो गए। मरने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तुम यही चाहती हो ना कि मैं वही दर्द महसूस करूं जो तुमने महसूस किया था जब मैंने जेम्स को मारा था, जब मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसे जलाकर मैंने राख कर दिया था, जब मैंने उसका अस्तित्व खत्म कर दिया था। Oh, my God.
क्या बोल रहा है? एलिस चाहती है कि हम लड़ने जाएं। अभी कितनी देर में आ रहे हैं? पहुंचने ही वाले हैं, शायद 10 मिनट में। भेड़ियों को जाना होगा, वोल्जरी भेड़ियों के साथ हुए समझौते को नहीं मानेंगे। लिया रुक जाओ। ये तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बाएं हिस्से की हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी है। बेला, जेकब, मैं यही हूँ। जेकब, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। लिया, मुझे अपनी शक्तियों से इसकी हड्डियां जल्दी ठीक करनी होगी, इससे पहले कि वक्त निकल जाए। इसे यहाँ से ले जाना होगा, और वॉल्चरी भी यहाँ जल्दी ही पहुँचने वाली है। हम इसे गाँव ले जाते हैं। मैं भी वहाँ जल्दी पहुँचता हूँ। हिम्मत रखो जेकब,